तीन नॉर्मल जिंदगी में यूज होने वाले ऐसे शब्द जो कि एक्चुअली में एक ब्रांड नेम है, लेकिन वो इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि लैंग्वेज का पार्ट ही बन गए। नंबर एक, जिपर या फिर जिप। जी हाँ दोस्तों, जिपर एक्चुअली में एक ब्रांड नेम है जो कि बीएफ गुडरिच नाम की कंपनी ने 1851 में शुरू किया था, और इस प्रोडक्ट का ओरिजिनल नेम क्लैप्स लॉकर है। और इस प्रोडक्ट को ओरिजिनली लेदर बूट्स पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि इसे कपड़ों पर भी इस्तेमाल कराया जाने लगा और इस प्रोडक्ट का नाम इस ब्रांड के नाम पर ही पड़ गया। नंबर दो, कीवी। जी हाँ दोस्तों, कीवी फ्रूट एक्चुअली इस फ्रूट का असली नाम नहीं है। एक्चुअली में इस फ्रूट का असली नाम चाइनीज गूसबेरीज है। एक्चुअली में दोस्तों 1962 में न्यूजीलैंड में गूसबेरीज इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ करती थी, और इसीलिए उस वक्त इस फ्रूट के ग्रोअर्स ने इस फ्रूट को पॉपुलर करने के लिए इसका नाम चेंज करने का डिसाइड किया, और उन्होंने इसका नाम चाइनीज गूसबेरी से बदलकर न्यूजीलैंड के नेशनल बर्ड कीवी के नाम पर रख दिया। तो हाँ, एक्चुअली में इस फ्रूट का नाम न्यूजीलैंड के नेशनल बर्ड के नाम पर रखा हुआ है। नंबर तीन, डंपस्टर। डंपस्टर भी एक्चुअली में दोस्तों एक ब्रांड का नाम है जिसे कि डंपस्टर ब्रदर्स नाम की एक कंपनी ने शुरू किया था 1930 में, और उन्होंने एक्चुअली में इस नाम को डंप और डंपस्टर को मिलाकर बनाया था। एक्चुअली में इस प्रोडक्ट का ओरिजिनल नेम मोबाइल गार्बेज बिन है, क्योंकि आप इन्हें मूव कर सकते हो। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।